अगले कॉलर है छत्तीसगढ़ से आकाश, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी, जी, बताइए, सवाल करिए मेरा नाम जय भगवान है जी। मेरी उम्र है 70 साल। जी, बताइए। जी राजधानी दिल्ली से बोल रहा हूँ, ठीक राजा है दिल्ली 32। ठीक है जी जी मेरे जो है ये मेरी थाई में ये है ना कुल्हे, इनमें दर्द है। कब से है? कितनी उम्र है? हाँ जी, कब से है? कितनी उम्र है आपकी? 70 साल है। 70 साल। ठीक है। अच्छा देखिए, ये दर्द आज ऐसा हो गया कि हर शख्स को आता ज़रूर है, चाहे 70 साल में आए, चाहे 45 साल में आए, चाहे 55 साल में आए। हमारे कूल्हों से ऊपर जो डिस्क है, कमर के, मन के है डिस्क, यहाँ पर रगें दब जाती हैं। वो हमारे कूल्हों से होकर नीचे टांगों की तरफ जाती हैं खून सप्लाई करने। ये जब प्रेस होने लगती, दबने लगती हैं, तो खून जो तेज़ी से आना जाना चाहिए वो ड्रॉप ड्रॉप जाता है, कतरा कतरा जाता है। इसकी वजह से हमें दर्द आता है। ये दर्द किसी के सिर्फ कूल्हों में, किसी के थाइस तक, किसी के पूरे पैर में और किसी के दोनों पैरों में। इसका इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है, आप कामयाब हो सकते हैं। एक तो वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट, एक कुर्सी वाला बाथरूम इस्तेमाल करना है आपको, नहीं है तो लगवाना है दवा से भी पहले। और देखिए, एक गौंद स्याह नाम से एक काला गौंद आता है, गौंद स्याह हम कहते हैं, ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ 100 ग्राम 200 ग्राम भी मिल गया तो समझ लीजिए आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ये रोग मुक्त करके ख़त्म होता है अगर 100 ग्राम भी मिल जाए। इसके ऐसे रिजल्ट आते हैं हमारे सामने। ये कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम नाश्ते के पश्चात, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से। 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू करेगा। वज़न बिल्कुल ना उठाएं, और 100 ग्राम भी मिल गया तो बहुत फ़ायदा होता है, आदमी का ठीक होना मुमकिन है।